दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिक भौतिक विषय पर रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। प्रौद्योगिक भौतिकी विषय पर आधारित रिफ्रेशर कोर्स के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि सरदार पटेल विश्वविद्यालय की उप कुलपति अनुपमा सिंह के साथ पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के भौतिक विभाग के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मनीष देव शर्मा उपस्थित रहे। यह रिफ्रेशर कोर्स 16 मई से 31 मई तक आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वल्लभ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर योगेंद्र पाल शर्मा ने मुख्य अतिथि और पंजाब यूनिवर्सिटी से आए रिसोर्स पर्सन का शॉल टोपी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान वल्लभ राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय का भौतिकी विभाग राष्ट्रीय स्तर पर पहली मर्तबा प्रायोगिक भौतिकी विषय पर रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस रिफ्रेशर कोर्स में देश के विभिन्न राज्यों के शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों व महाविद्यालयों के भौतिकी संकाय के 40 से अधिक शोधार्थी व प्राध्यापक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिफ्रेशर कोर्स का अकादमिक जगत व एपीआई में विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिक भौतिकी विषय पर आधारित रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी का भौतिकी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के सहयोग से कर रहा है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में 15 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स इन फिजिक्स एंड इन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का आयोजन किया जा रहा है। आज तक हिमाचल में किसी भी कॉलेज के द्वारा इस तरह का रिफ्रेशर कोर्स आयोजन नहीं हुआ है। यह फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में कि वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में यह आयोजन किया जा रहा है। आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के जो नई प्रो वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं प्रोफेसर अनुपमा सिंह, वो उन्होंने शिरकत की। और यहाँ पर जो मेन इसके रिसोर्स पर्सन है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के डॉक्टर मनीष देव शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर मनीष देव शर्मा 15 दिन इस रिफ्रेशर कोर्स का मेन संचालन करेंगे और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे उनके दिशा निर्देश पर ही किए जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जो रिफ्रेशर कोर्स है उसको करवाना किसी इंस्टीट्यूशन के लिए आसान काम नहीं है। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करवाए जाएंगे, हमारे पास यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से सभी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लाए गए हैं और इंस्टॉल किए जा रहे हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो इसके जो अटेंडेंट होंगे, जो टीचर्स हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनको जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको बताए जाएंगे। ये भी बताना चाहूँगा कि इस रिफ्रेशर कोर्स में डिफरेंट कॉलेजेस के कुछ टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्च स्कॉलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफरेंट कॉलेजेस के कुछ स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह का रिफ्रेशर कोर्स करवाना यदि है तो बहुत स्पीड चाहिए। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू टीचर्स ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन जिन्होंने 2-3 महीने दिन रात काम किया है और इस रिफ्रेशर कोर्स को आयोजन करने के लिए एक महत्वपूर्ण और मेन भूमिका अपनाई है। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।